बेटा आज हम 9th क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये देखें यहाँ न्यूट्रिशन एनिमल का आपको मेथड लिखे हुए हैं। डिफरेंट इसकी काइंड्स हैं एनिमल्स की, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, फ्रूजीवोरस, इंसेक्टिवोरस, पैरासिटिक्स और पैरासाइट्स एंड द सेप्रोफेटिक्स। ये टॉपिक नंबर 9.5 मीन्स आपको पता चल रहा है कि 9 चैप्टर का है। ये जो बेस्ट है, ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने बेटा इसकी बहुत सारी डिटेल निकाल के आपके लिए लिखी है, आप इसको ईजिली याद कर सकती हैं और यहाँ से आप नोट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो क्या है, वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, एक ऑटो था, हमने वो पढ़ लिया ऑटो, अब है हेट्रो। हेट्रो में क्या होगा, एज द एनिमल आर अनएबल टू मैन्युफैक्चर देयर फूड, मेन बात अनएबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट एंड द अदर एनिमल्स, दिस टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मीन्स द एनिमल अनएबल टू प्रिपेयर देयर फूड लाइक अस, we cannot be prepare their food in the presence of sunlight or in any condition, any environmental condition, we take the prepared food, and which is prepared food is prepared by the plants, and we take the food from the animals, means milk from animal, egg from animal, and we eat the chicken and flesh or meat। मीन्स बेटा ये कि हेटरोट्रॉफिक का मायना ये है कि अपने आप ही कुछ भी ना करना पड़े और खुराक तैयार हो जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि हम क्या, हम हेटरोट्रॉफिक हैं, हम तैयार की हुई खुराक को इस्तेमाल करते हैं। या सिंपल और छोटी डेफिनेशन दे रखी है, आप इस डेफिनेशन को आसानी से लिख सकती हैं, आप ज़रूर इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा और इसे आप याद करेंगे। इसके बाद क्या है आपके पास, अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही, हम थोड़ा सा इसको और मिनिमाइज़ कर देते हैं ताकि आपको पूरा पेज नज़र आए और आप पूरे पेज को ईजिली देख के और लिख सकें डेफिनेशन। अभी आपको नज़र आ रही है, इसके बाद देखें इसे क्या कहा जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, मींस मेन चीज़ है, हमें हर एक में कहना है एनिमल, एनिमल टेक देयर फूड, एनिमल टेक देयर फूड। मेन बात क्या है इसमें, आप ये याद रखेंगी, ऑब्टेंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्राम देयर इन्वायरमेंट, मीन्स अपने इर्द गिर्द से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हासिल करेंगे। कैन नॉट मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे जैसे कि प्लांट करते थे। दिस टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इज नोन एज द होलोजोइक न्यूट्रिशन, मीन्स हेटरोट्रॉफिक में होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्योंकि आपके इसमें बुक में उन्होंने इतना इसका तस्करा क्लियर नहीं किया हुआ, या हम आपको क्लियर बता रहे हैं, आपने इसको इस तरीके से याद करना है। अभी देखें इसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन के बाद क्या दे रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इस वाली बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उनके एनिमल्स के नेम किस पर रखे गए, उनके नेम ही इस पर रखे गए हैं कि जो वो खाते हैं उसके हिसाब से उनका नाम है। तो क्लासिफिकेशन एनिमल्स की क्या है, देखें, कॉर्निवोर्स, कॉर्निंग ईटिंग ऑफ द और फीडिंग ऑन फ्लैश, फ्लैश गोश्त को कहते हैं, मीट को कहते हैं, मीन्स इसका नाम क्या है, मीट ईटिंग और फ्लैश ईटिंग। कॉर्नी, अंडरलाइन क्या, कॉर्नी मीन्स क्या है, फ्लैश, एंड वोर्स ईटिंग, फ्लैश ईटिंग। इसके बाद हर्बी वोर्स, हर प्लांट को कहते हैं, हर्बी वोर्स प्लांट, स्वेलोस निगलने वाले, और फीडिंग प्लांट, प्लांट को खाने वाले, और प्लांट ईटिंग मीन्स ये हर्बीवोर्स प्लांट खाते हैं। ओमनी, ओमनी ऑल एवरीथिंग मीन्स ऊपर वाली दोनों चीज़ें, मीन्स द फ्लैश एज वेल एज प्लांट, मीन्स ऑल ईटिंग, ऑल एवरीथिंग ईटिंग। इसके बाद फ्रूजी, फ्रूजी फ्रूट, फ्रूजी कहते हैं फ्रूट को, फ्रूट ईटिंग, वो हमने यहाँ लिख दिया फ्रूट ईटिंग। इसके बाद है पैरासिटिक, पैरासिटिक में क्या आएगा, पैरासिटिक पर्सन और एन अदर मीन्स डिपेंड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टेक देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद सेप्रो, सेप्रो मीन्स
डेड, हमने यहाँ लिख दिए डेड ऑर्गेनिज्म, डेड एनिमल एंड डेड प्लांट। जूइक, जूइक, जूइक कहते हैं एनिमल के लिए, और अगर सेप्रोफेटिक होता तो हम क्या कहते हैं, प्लांट होता ओनली, और अगर जूइक है तो मींस क्या है कि एनिमल है, ये या आप याद रख लें। नाउ कार्निवोर्स, इसमें बेटा बहुत अच्छे डिटेल में पहले डेफिनेशन है, फिर एग्जाम्पल है, फिर एडॉप्टेशन है। एडॉप्टेशन मींस क्या होता है, अ प्रोसेस सिचुएटेड टू इट्स इन्वायरमेंट, मींस आपने अपने इन्वायरमेंट से क्या अडॉप्ट किया है। हर इंसान अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, जहाँ आप रहती हैं आपके घर में, आपको देखा जाए तो आपके घर के माहौल की अक्कासी होती है कि आपके घर का माहौल कैसा है, कि आप बहुत अच्छी हैं। यकीनन घर का माहौल बहुत अच्छा है, आपकी अम्मी ने आपको वैसे ही सिखाया है और आपने अपनी अम्मी को देख के सीखा। तो यहाँ पर भी ये होता है कि एनिमल्स क्या हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं और अडॉप्टेशन कर लेते हैं, खुद में चेंजिंग लाते हैं इन्वायरमेंट से, उसे अडॉप्टेशन कहा जाता है। मीन्स द प्रोसेस विल बी कंटिन्यू एंड अकर्स द डिफरेंट चेंजिंग इन द ऑर्गेनिज्म बाय देयर इन्वायरमेंट। चेंजिंग कैसे, जैसे सर्दी आती है हम लिहाफ ओढ़ना शुरू कर देते हैं, गर्मी आती है तो हम फैन ऑन कर लेते हैं, एसी चला लेते हैं। तो ये क्या है, ये हम अडॉप्टेशन, ये हम चेंजिंग करते रहते हैं अपने इन्वायरमेंट में। तो देखिए इसमें बेटा कार्निवोर्स मीन्स क्या है, फीड अदर एनिमल। आप ये ऊपर यही वाली डेफिनेशन देखिए, इसके नाम से जाहिर है हम क्या कहेंगे, दीज आर कार्निवोर्स आर दोज एनिमल, दोज एनिमल, दोज एनिमल, दोज एनिमल, सब में दोज एनिमल, दोज एनिमल, बिकॉज इट इज़ द न्यूट्रिशन ऑफ द एनिमल्स। मीन्स हम कहेंगे दोज एनिमल, दोज एनिमल विच ईटिंग फ्लैश, दोज एनिमल विच ईटिंग द हर्ब मीन्स प्लांट ईटिंग, दोज एनिमल्स विच ईटिंग एवरी थिंग्स, दोज एनिमल विच ईटिंग द फ्रूट, दोज एनिमल विच ईटिंग द इंसेक्ट, दोज एनिमल विच डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिजम्स, दोज एनिमल विच डिपेंड अपॉन द डेड ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये सब सेम और एक जैसी और आसान बात है, आप इसे अपनी वर्डिंग में लिख सकती हैं। एनिमल विच फीड अपॉन अदर एनिमल आर कॉल्ड द कार्निवोर्स, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द कार्निवोर्स न्यूट्रिशन, एंड द एग्जाम्पल कैट, डॉग, लॉइन, बियर आर द कार्निवोर्स। मीन्स जो भी गोश्त खाने वाले बेटा वो कार्निवोर में आएंगे, आप और भी इसमें लिख सकती हैं ऑर्गेनिजम्स। ना अडॉप्टेशन, अडॉप्टेशन यानी इन्होंने कहाँ से ये सब कुछ इनके साथ हुआ और इनमें चेंजिंग आती रही। दे हैव वेरी शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, क्योंकि उन्होंने कच्चा गोश्त खाना है इसलिए उनके कैसे होंगे, शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होंगे, कॉल्ड द कैनाइन, उन्हें कैनाइन कहा जाता है। विच आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू टीयर, वो इतने मजबूत उनके दांत होंगे, काफ़ी मजबूत होंगे, इनफ काफ़ी मजबूत होंगे टू टीयर यानी चीर फाड़ करना, टीयर द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, क्योंकि वो दूसरे जानवरों को चीर फाड़ के उनका गोश्त खाते हैं। अब हर्बीवोर्स, हर्बी में आप अपनी डेफिनेशन अपने तौर से भी लिख सकती हैं, और यहाँ देखें बिल्कुल सिंपल और छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, आप इस छोटी सी डेफिनेशन को भी लिख सकती हैं कि एनिमल विच फीड ऑन प्लांट आर नोन एज द हर्बीवोर्स। एडॉप्टेशन दे डू नॉट हैव कैनाइन, इनमें वैसे नोकीले सारे दांत नहीं होंगे, और हमारे कैनाइन कौन से हैं, जिन्हें कील कहा जाता है ना, ये चार दांतों के बीच में, यानी चार दांतों के बीच के बीच में चार दांत और साइड में जो कोने वाले दांत है, ड्रेकोला वाले दांत बेटा, ऐसे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, जो ड्रेकोला के दांत बनाए होते हैं लंबे लंबे, वो कैनाइन टीथ कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसमें तमाम कैटल्स आते हैं, हॉर्स है, कैमल, स्पैरो, पिजन, कैटल यानी तमाम मवेशी हो गए, हॉर्स घोड़ा है, कैमल ऊँट है, स्पैरो उसमें चिड़िया आ रही है, और पिजन कबूतर को कहते हैं। ना ओमनीवोर्स, ओमनी मीन्स के एवरी थिंग वो लेंगे, एवरी थिंग ईट करेंगे, तो इसमें देखिए क्या, सम एनिमल्स ईट मीट एज वेल एज वेजिटेबल एंड आर कॉल्ड द ओमनीवोर्स। दीज एनिमल्स ईट अ वराइटी ऑफ फूड, मीन्स वो उनके पास वैरायटी होती है फूड की, बहुत कुछ वो खाते हैं, जैसे हम हैं, हम ओमनीवोर्स हैं बेटा, हम सब कुछ खाते हैं, मैन है, मॉन्की है और क्रो है, कौवा भी इसमें आएगा। कौवा क्या करता है, वो मुर्गी के बच्चे को भी उठा के ले जाता है, चूजे को, यानी वो गोश्त भी खाता है, वो रोटी का टुकड़ा भी ले जाता है, और उसकी तो रोटी के टुकड़े पर बहुत सारी कहानियाँ बनी हुई हैं, वो आपको पता है। तो क्रो जो है इसमें आता है। अब यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको
ऐसे ही थोड़ा टॉपिक जो है वो बड़े बड़े करके दिए हुए हैं, और बड़े बड़े में उसमें टॉपिक वाइज भी नहीं है और इतनी बहुत सारी डिटेल भी नहीं है, और डिटेल अगर दे रखी है तो बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है, आप इतनी आसानी से देखें उसको याद नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा दिया हुआ है और टॉपिक वाइज नहीं है, यहाँ टॉपिक वाइज है। अभी हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, फ्रूजीवोर्स। फ्रूजी आप जानती हैं कि उसमें क्या आएगा, हम अपने वर्ड में कह देंगे दोज एनिमल्स विच ईट द फ्रूट एज अ फूड। तो देखिए कि एनिमल लाइक पैरट एंड सम अदर बर्ड्स विच फीड ऑन फ्रूट लाइक गावा यानी अमरूद, फिग मीन्स इंजीर एटसेट्रा आर कॉल्ड द फ्रूगीवोर्स एंड द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द फ्रूगीवोर्स न्यूट्रिशन। नाउ इंसेक्टिवोर्स, आपको नाम से पता चल रहा है ये इंसेक्ट खाएंगे। दीज आर द एनिमल विच यूज इंसेक्ट एज आ फूड, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग है, वाल लिजर्ड है, और छोटे छोटे जो आपको और इसमें नज़र आए आप वो लिख सकते हैं इसमें एनिमल्स के नेम। ना पैरासिटिक्स यानी पैरासाइट्स, पैरासाइट क्या करेंगे, ये डिपेंड करेंगे ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हमें पैरासाइट का मायना ये है कि डिपेंड किस पर करेंगे, लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑप्टेंड देयर फूड फ्राम देम आर कॉल्ड द पैरासाइट्स। जैसे देखें कि मॉस्कीटो हम पर डिपेंड करता है, मॉस्कीटो टेक द फूड फ्राम आवर बॉडी मीन्स मॉस्कीटो सक आवर ब्लड, एंड द लाइस मीन्स जुएँ, एंड द बेड बग यानी कि खटमल, एंड द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्राम विच दे गेट फूड इज नोन एज द होस्ट मीन्स जिनसे ये फूड लेंगे वो इनके होस्ट हैं, मीन्स दे टेक फ्राम अदर ऑर्गेनिज्म एंड टेक देयर फूड फ्राम अदर ऑर्गेनिज्म दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द होस्ट। होस्ट किसे कहते हैं, मेहमान और मेज़बान दोनों का ताल्लुक चल रहा है, होस्ट होता है मेज़बान, हम इनके मेज़बान हैं तो हम इनके बिन बुलाइए हमारे मेहमान हैं और हम मेज़बान हैं इनके। पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एंडो एंड द एक्टो, एंडो मीन्स इन, एक्टो मीन्स आउटर, इनर एंड द आउटर मीन्स द एंडो पैरासाइट आर दोज पैरासाइट विच टेक देयर फूड फ्राम द इनसाइड द बॉडी, जिसम के अंदर से फूड हासिल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इनसाइड द बॉडी, और यहाँ एक्टो क्या होगा, इसमें होगा एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी यानी बैरूनी साइड से, तो आप अपने अल्फाज में लिख दें इसे, नो प्रॉब्लम, कोई इसमें ग्रामर का नहीं होता। पैरासाइट्स लिविंग इन साइड द बॉडी ऑफ द होस्ट आर कॉल्ड द एंडो पैरासाइट। देखे जैसे इसमें बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, टेप वॉर्म कहा जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, राउंड वॉर्म गोल कीड़े हैं ये भी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, हुक वॉर्म है इसके आगे हुक लगा होता है ये भी क्या इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वो भी इंसान के बॉडी में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, लीवर में रहता है ये लीवर में। एक्टो पैरासाइट क्या है, सम पैरासाइट लिव ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ देयर होस्ट यानी एक्सटर्नल पर रहेंगे और वहीं से खुराक हासिल करेंगे, जैसे मॉस्कीटो हमारे अंदर तो नहीं जा सकता ना लेकिन हमारे ऊपर से खुराक हासिल कर लेता है, वही बात है जो हमने आपको भी बताया। लीच किसे कहते हैं, जोंक को कहते हैं लीच, और लाइस जू को कहते हैं, यानी लीच भी क्या है कि कई लोग तो ट्रीटमेंट करते हैं लीच लगवाते हैं, लीच अगर लगा वो एकदम फूल जाती है, ब्लड सक करती है, तो ये कहेंगे एक्सटर्नल पैरासाइट है। नाउ रिलेशन विद द होस्ट, होस्ट से इनका क्या रिलेशन है, द रिलेशनशिप ऑफ द पैरासाइट विद देयर होस्ट इज वेरी हार्मफुल फॉर द होस्ट बट एडवांटेजेस टू द पैरासाइट इट्सेल्फ, यानी ऐसा रिश्ता है जो रिश्ता हम निभा नहीं सकते लेकिन हम मजबूरी में निभाते हैं, मीन्स पैरासाइट्स आर डेंजरस फॉर द ह्यूमन एंड देयर होस्ट एंड कॉज द डिफरेंट डिजीजेस टू देयर होस्ट, यानी हमसे फ़ायदा भी हासिल करता है और हमें बीमारी भी देता है, ये पैरासाइट्स हैं तो क्या डेंजरस है ये होस्ट के लिए। इसके बाद होगा हमारे पास सेप्रोजोइक, सेप्रो हमने आपको बता रखा है कि सेप्रो मीन्स वर्ड सेप्रो जब भी आप देखें तो डेड ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या है, द यहाँ पर आप क्या कहेंगे, द ऑर्गेनिज्म हु ऑब्टेंड फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द सेप्रोब और द सेप्रोफाइट्स, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, यानी सेप्रोफाइट्स क्या है, इनको ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है और ये मोड न्यूट्रिशन का क्या, सेप्रोजोइक है, एडॉप्टेशन क्या होगी इसकी, दीज ऑर्गेनिज्म सीक्रेट
स्पेसिफिक एंजाइम आउटसाइड द बॉडी ऑन द फूड टू डाइजेस्ट इट इन द फ्लूइड फॉर्म। यानी क्या करेंगे सेप्रोजोइक, ये डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठते हैं, हम जानते हैं अगर हमने धनिया रखा है, पुदीना रखा है, आलू रखे हैं, सालन रखा है, गोश्त रखा है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या है, गल जाएगा, सड़ जाएगा और बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। कैसे मेल्ट होगा? बिकॉज दे कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू सिंपल कंपाउंड बाय द डिफरेंट एंजाइम्स। एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी विच कन्वर्ट द फूड इन टू सिंपलेस्ट कंपाउंड। एडाप्टेशन सीक्रेट एंजाइम्स विच कन्वर्ट इट इन टू फ्लूड, यानी वो उसको लिक्विड में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल फंजाए एंड मैनी अदर बैक्टीरिया, फंजाए एंड अदर बैक्टीरिया हैं जो ये काम करते हैं। अब आप बेटा इसको याद करोगे, याद करके लिख लिख के देखोगे और बहुत ही आसान है। हमने आपको ये आसान इसीलिए आपके लिए बना दिया कि हमने यहाँ पर आपको इसकी वर्डिंग जो है हमेशा याद रखें कि बायोलॉजी में और किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ हमें वर्ड से ही उसकी मीनिंग मिल रही है तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम डेफिनेशन कैसे लिखें या अपने हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें, आप अपने वर्ड में ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। हम दोबारा इसको रिव्यू कर रहे हैं ताकि आप इजीली इसकी डेफिनेशन लिख सकें। ये देखें आपको क्लियर नज़र आ रहा है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं और लिख के इसको आपने याद करना है। याद की हुई चीज़ अगर आप चाहती हैं कि आपको याद रहे और कभी आप भूलें ना, तो आप हमेशा याद रखें, उसे बार बार लिख के देखेंगी। ये हमने यहाँ लातिन वर्ड लिख दिए हैं क्योंकि सब लातिन वर्ड हैं जिससे ये नाम बने हैं। कॉर्नी, हर्बी, ओमनी, सब क्या लातिन वर्ड हैं। इसके बाद क्या है, जब आप लिख के देखेंगी तो आप उसको कभी भी भूलेंगी नहीं, आप हमेशा उसको याद रखेंगी और कभी भूलेगा भी नहीं आपको। आप एक मरतबा उसको रिवाइज़ करेंगी तो आपके जहन में आ जाएगा। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है वो बार बार याद करती है और सिर्फ लिख के देखती नहीं है तो वो बहुत उसको जो है ना लॉस होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पर एक तो कन्फ्यूजन होगी, कन्फ्यूजन में उसको क्या है दिमाग से उसका निकल जाएगा। लेकिन अगर उसने याद किया हुआ है और लिख के देखा हुआ है तो लिख के देखे हुए को वो कभी भी भूलेंगी नहीं। तो लिख के देखना बहुत लाजमी होता है। लिख के देखने से ये रिज़ल्ट बनता है कि आपको वो हमेशा याद रहेगा। और ये कोई यहीं नहीं आप पढ़ रहे नाइन्थ में, बल्कि ये बड़ी क्लासेस में भी कंटिन्यू है और आपने कंटिन्यू इसको याद रखना है। आगे आपका ये जो कैरियर है, आपका जो एंट्री टेस्ट है, उसमें भी इन चीज़ों का दखल है। और एंट्री टेस्ट में तो आपको ये बात पता ही है कि बायो के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं, तो बायो के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, मेजर पार्ट बायो का होता है। इसलिए आपने बायो को भी और हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आपने स्टडी करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी इम्पॉर्टेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ बायो को पढ़ें, हमें तमाम सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आपने इसको लिखना है, नोट करना है और आपने याद से अपने उस्ताद का कहा भी मानते हैं, क्योंकि मुझे पता चलता है बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें सब्सक्राइब करना शायद आ नहीं रहा है, वो बताते हैं नेट वाले या लिखा हुआ आता है कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसको पढ़ना है, इसको सब्सक्राइब करना है और साथ में शेयर करना है। शेयर क्यों करना है, क्योंकि आपकी बहनें या भाई जो हैं वो इसको जब देखेंगे पढ़ेंगे तो उनको मेजर इसमें से पॉइंट्स मिल जाएंगे, बातें मिल जाएंगी, जिससे वो इसको अच्छे से याद कर लेंगे और एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए आपने इसकी तैयारी अच्छी रखनी है और आपने याद करके बार बार लिख के देखना है। तो डियर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स मेरे पास पहुँच जाते हैं, आप जब कमेंट करते हैं, कमेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वीडियो को एक्सट्रोल कर करके ऊपर ले जाएं और वहाँ जाते जाएं, एक वीडियो जो मेरी चल रही है उसको चलने दें, नीचे कमेंट्स आएगा वहाँ इमोजी भेज दें, वो आपके कमेंट्स होंगे तो आप मेरे पास मेरे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।